पचास करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना है? I will try to translate myself in English to here. मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं। आपके मन में इच्छा और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा। आप क्यों नहीं रहना चाहिए? बिहार में चुनावों का मौसम है और चुनाव की गर्मो गर्मी भी जारी है। बड़े बड़े नाम इस चुनाव में देख रहे हैं। इसी बीच लोग एक नाम को काफी याद कर रहे हैं, वो है लालू प्रसाद यादव का। जी हाँ, हाल ही में नीतीश कुमार की एक रैली में लोगों ने लालू यादव के नाम को लेकर नारे लगाए, जिस पर नीतीश गुस्सा होते भी दिखाई दिए। 1985 में और आप भी विधायक होकर के गए थे, हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? आप बोलिए जोर से, अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। अब अगर लोग लालू को इतना याद कर ही रहे हैं, तो आज हम आपको उनके कुछ मजेदार भाषण भी सुना ही देते हैं, जिनको सुनकर आप ही हंसी नहीं रोक पाएंगे। एक रैली में सभा को संबोधन करते हुए लालू जी ने मोदी जी के कुछ पुराने बयान और भाषणों को लेकर मिमिक्री शुरू कर दी। फिर क्या, सभा में मौजूद जनता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे? I don't know. Did we? अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या? क्या बात है? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ गया, मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। देखिए भाग भाई, आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा नहीं पूरा किया। 15 लाख, 15 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको, 7.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था यार, एसएस वाला कि 29,000 लालू का है। मैंने क्या भाई, 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। लोकसभा में भाषण देते हुए ही लालू जी हिंदी में बोल रहे थे, तभी सदन में उन्हें इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए कहा गया। फिर लालू जी ने उसी भाषण को इंग्लिश में बोला, जिसके बाद सदन में मौजूद सदस्यों ने खूब आनंद लिया। करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट माई सेल्फ इन इंग्लिश टू हियर। हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का, समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। हाँ, ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न क्रोर्स एंड क्रोर्स एवरी डे एंड दे आर सेइंग लालू यादव है प्लांटेज फ्रूट ट्री एंड एवरी ईयर इट इज ड्यूटी ऑफ माय टू ग्रो फ्रूट ट्री। नीत नहीं। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। एक रैली में लालू जी ने प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर निशाना और प्रधानमंत्री मोदी की नकल भी की।
इस बीच उन्होंने बाबा रामदेव को भी बीच में ले आए और उनका भी मजाक उड़ाया। सोनिया जी के समय में हम थे, उसमें सोनिया जी के मंत्रिमंडल में तब प्याज के दाम बढ़ गया था, प्याज के प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया, मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, 80 रुपया किलो कर दूं, 40 रुपया किलो कर दूं, भाई और बहनों 80 रुपया कर दिया। कहा था गरीब अमीर के बात नहीं, ये रामदेव, ये रामदेव अन्ना हजारे और उनके पार्टी के लोग बोला था काला धन ना को दम कर दिया कांग्रेस पार्टी का। रामदेव को बोला था लोगों को भी हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज अब पुलिस आई तो उदासन कर दिया। ये लड़की का कपड़ा पहन के भागा ब्लाउज खराब कर। लोकसभा में बोलते हुए लालू जी ने मोदी जी पर निशाना साधा और उनकी बात का सदन ने काफी आनंद लिया। आप भी सुनिए उनका ये मजेदार भाषण। इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबके मन में इच्छा है और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बिया कन पट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम, आई विल एक्सप्लेन लेटर। रोटी आएगा गुप्ता जी तो इनकला मुर्दाबाद एडी अलगा के भाषण करने से बोलते बोलते आपने बाल पका दिया, मैं भी आपके साथ पाइपलाइन में लगा हुआ। इतना ही नहीं, जब लालू जी एयरपोर्ट से निकले थे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सवाल करने शुरू कर दिए, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी का एक एंकर उनसे लगातार सवाल पूछता रहा, जिससे परेशान होकर लालू ने पत्रकार को ही छिड़क दिया। सवाल लालू जी, एक सवाल, प्लीज। ये हेमा यादव को जो प्रॉपर्टी सारी दी गई है, हृदयलाल चौधरी और इससे क्या संपर्क है आपका, क्या संबंध है? आराम करिए आप लोग, आराम का नौकरी नहीं है, आराम करिए। हमारा सवाल पूछने का नौकरी हम करेंगे, सवाल का कोई जवाब हमारे पास नहीं। क्यों आप घोटाला पे घोटाला करेंगे, आप सवाल नहीं पूछेंगे? घोटालाबाज आप लोग, नहीं आप घोटाला पे घोटाला करेंगे, जाहिरात करेंगे। हेलो घोटालाबाज तुम लोग, एक सवाल का जवाब तो देंगे। मोदी का सुपारी लिए हुआ तुम लोग, चलो। तो आपका साठगांठ किसके साथ है? शाहबुद्दीन के साथ है। शाहबुद्दीन के साथ क्या रिलेशन है आपका? अच्छा रिलेशन, क्या रिलेशन है? गैंगस्टर के साथ रिलेशन है आपका? जवाब नहीं देंगे सर, ये आईटी वाले। तुम्हारे पास होगा टेप? टेप है, वो चलाए अभी, चलाते रहो, हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेके खाते रहो। हृदयनाथ की जो बात आ रही है सर, पूछ रहे हैं, कहते हैं सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। जाओ और लालू जी, आज जो एयरपोर्ट पे जो हुआ, पत्रकारों को आपने गालियां दी, बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्ट है, लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवान बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाच गिर जाओगे। ये थे लालू जी के कुछ मजेदार भाषण, जिसको सुनकर आपने भी काफी आनंद लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।